शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और सिलसिला बाजारों का मैं आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं यहां पर कमोडिटी बाजार का अपडेट लेकर। जानेंगे कि आज सोमवार के दिन, हफ्ते के पहले कारोबार के दिन, कमोडिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है, किस कमोडिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी के साथ ट्रेड दर्ज किया जा रहा है और उस पर रूपा मेहता की क्या राय रहेगी, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। रूपा जी, बात करें यहाँ पे अगर कैसे सीड की, तो कैसे सीड देख रहे हैं कि 6950 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। बात करें यहाँ सबसे रुपये जी से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। बात करें यहाँ पे सबसे पहले कैसा सीड की, तो कैसा सीड का फरवरी वादा देख रहे हैं कि 6950 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। 7016 का हाई लगा चुका है, 1.5% की बढ़त है। कैसा सीड में जो हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो लगातार मार्केट टाइम्स टीवी के माध्यम से लगातार यही बता रहे थे कि जो कैसा सीड है आने वाले दिनों में 6900 से लेकर 7000 तक के जो लेवल्स है वो दिखा सकता है। आज वो टारगेट सारे ही एक्सपर्ट्स के हमारे आज अचीव होते नज़र आ चुके हैं। कैसा सीड का वायदा बाजार अभी यहाँ से तेजी की ओर देखने को मिल रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या यहाँ पर वायदा बाजार यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग दिखाता हुआ नज़र आएगा, क्या यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग बनेगी, या फिर यहाँ से जो वायदा बाजार है वो और तेजी की ओर जाएगा। हालांकि जैसे ही अराइवल्स स्टार्ट होंगी कैसे की मार्केट्स के अंदर जो नई कैसे आएगी, तब जो कैसे सीड का बाजार है वो थोड़ा लुढ़केगा जरूर, जो कीमतें हैं उनमें गिरावट जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन वो फिर से अपॉर्चुनिटी होगी आप लोगों के लिए निचले स्तर पर खरीदारी करने की। जो लोग इस समय कैसर में खरीदारी करने से रह गए थे, पिछड़ गए थे, वो लेवल्स उनके लिए अच्छे रहेंगे जो इस समय पीछे रह गए थे कैसर में मुनाफा कमाने से। कैसर भी आने वाले दिनों में और अच्छी तेजी की ओर जाता नजर आ सकता है। बात करें यहां से अगर आप बिनौला खल की, तो बिनौला खल का देख रहे हैं कि बिनौला खल का फरवरी वायदा 3242 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है और जो मार्च वायदा है वो भी 3266 पर ही ट्रेड करता नजर आ रहा है। देख रहे हैं कि बिनौला खल ने अब धीरे धीरे यहां से जो है वो कुछ खरीदारी दिखाई है। बिनौला खल एक बार फिर से यहाँ से तेजी की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। हमने बिनौला खल को 3000 के लेवल्स तक ट्रेड करते हुए देखा है, लेकिन अब देख रहे हैं कि बिनौला खल में जो कुछ खरीदारी निकल के सामने आ रही है, जो कि बिनौला खल में खरीदारी निवेशकों के लिए अच्छी बात है। फंडामेंटल्स की तरफ बात करें तो फंडामेंटल्स बिनौला खल के मजबूत ही हैं। कॉटन का जो प्रोडक्शन है कम है, जिसका सपोर्ट बिनौला खल की कीमतों पर देखने को मिल रहा है। दूध के जो दाम है वो बढ़ते जा रहे हैं, प्रोडक्शन भी कम है, उसका भी जो फायदा है बिनौला खल को मिलेगा। और जो पोल्ट्री डेयरी की तरफ से जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो भी आने वाले समय में कुछ में कुछ बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से बिनौला खल की जो कीमतें हैं उनमें और बढ़त देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल रुझान बिनौला खल में भी तेजी वाला ही रहने वाला है। हमारे जो एक्सपर्ट हैं ज़्यादातर यही बता रहे हैं कि बिनौला खल में आगे तेजी ही देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल रुझान बिनौला खल में और कैसा सीड में यहाँ से तेजी वाला ही रहने वाला है। रूपा जी, बात करें यहाँ से अगर कैसा सीड की, तो कैसा सीड का फरवरी वादा देख रहे हैं 6952 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। 7016 का हाई लगा चुका है, 1.5% की बढ़त है। रूपा जी, आपने जो टारगेट दिया था 6500-6600 के बाद कैसर का 6800-6900 का, आपका वो टारगेट अचीव होता नजर आ चुका है। 7000 के ऊपर का हाई भी लग चुका है आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या यहाँ से जो तेजी ये बनी है ये कंटिन्यूशन में रहेगी, यहाँ से और एक अच्छी रैली निकलेगी, या फिर यहाँ से अभी प्रॉफिट बुक करना चाहिए? देखिए, अभी तेजी जो है वो बनती हुई दिखाई दे रही है और तेजी अभी कंटिन्यूशन में रह सकती है। फरवरी वायदा एक्सपायरी के बेहद करीब है, इसलिए अभी जो है इसमें जो बदला आप देखेंगे अगले वायदा में तो अच्छा बदला देखने को मिल रहा है, लेकिन मार्च वायदा जो है वो अभी 7000 से काफी दूर है, क्योंकि अभी वो 6800 के घरों में ही कारोबार करता दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि मार्च वायदा जो है वो 7000 तक एक बार ऊपर जहाँ से जा सकता है, तो फिलहाल के लिए बाइंग में ही बने रह जा सकता है। जी रूपा जी, बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल देख रहे हैं कि 3200 के लेवल्स पर ट्रेड करता नजर आ रहा है हफ्ते के पहले कारोबारी दिन। आपको क्या लगता है, क्या यहाँ से अब बिनौला खल में एक तेजी बननी शुरू हो गई है, क्या बिनौला खल यहाँ से अब 3400 का लेवल तोड़ने के लिए तैयार है,
या फिर जो अभी बिनौला खल की जो रेंज है 3,000 से 3,400, ये अभी उसी दायरे में ट्रेड करेगा? देखिए बिनौला खल में तेजी का रुझान है और ये तेजी अब कंटिन्यूशन में रह सकती है। जो करेक्शन आना था वो करेक्शन एक बार आ चुका है, अब यहाँ से एक बार फिर से बाजार सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है और मुझे लगता है कि यहाँ से 3,400 से 3,500 का स्तर आ सकता है। तो इन लेवल्स पर भी या छुटमुट करेक्शन आए तो वहां पर भी बाइंग करके चला जा सकता है। जी रूपा जी, दर्शक जुड़े हैं बहुत सारे जिनका सवाल बिनौला खल को लेकर आ रहा है, ये सब जानना चाह रहे हैं कि बिनौला खल में अगर खरीदारी में रहें तो किस लेवल पर रहें? देखिए लेवल्स तो काफी अट्रैक्टिव 3,000 के आसपास ही थे, जो 3,100 के आसपास हमने लेवल देखे वो काफी अट्रैक्टिव थे बाइंग के लिए, लेकिन अभी यहाँ से बाजार उठ चुका है, अब थोड़ा सा भी करेक्शन मिलता है 3,200 3,180 की रेंज में तो बाय कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस जो यहाँ पर आएगा क्लेश वो 3,000 का है, थोड़ा लंबा स्टॉप लॉस है। 3,000 के स्टॉप लॉस के को लेकर आप जो भी नीचे का लेवल मिले वहां पर आप बाइंग करके चल सकते हैं। जी यहीं से रूपा जी बात करें अगर मसालों की, तो मसाले भी देख रहे हैं कि ठीक ठाक ट्रेड करते नजर आ रहे हैं, मसालों में भी तेजी देखने को मिल रही है, धनिया 11,000 की ओर अग्रसर हो चुका है, जीरा 21,000 के ऊपर सस्टेन है, आज भी 21,000 के ऊपर ही ट्रेड करता नजर आ रहा है, 21,425 का हाई लगा चुका है, लेकिन देख रहे हैं हल्दी में थोड़ी सी नरमी है न्यू अराइवल्स के चलते। आपकी क्या राय रहेगी इस पूरा कारोबारी सप्ताह, किन मसालों में कितनी मंदी तेजी देखने को मिल सकती है? देखिए पूरे कारोबारी सप्ताह की बात करें तो अखिलेश तेजी में रह सकते हैं मसाले, और देखिए जो धनिया है धनिये को हम 11,000 के आसपास ट्रेड करते हुए देख रहे हैं, इसकी जो रेंज बनती हुई यहाँ से अब दिखाई दे रही है ऊपर में 12,000 तक धनिया एक बार जाता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं जीरे की बात करें तो 21,500 से 22,000 का स्तर अब जीरे में देखने को मिल सकता है। हल्दी में एक अराइवल प्रेशर के चलते जरूर करेक्शन बनी हुई है, लेकिन बाजार लिमिटेड रहेगा गिरावट की तरफ, जो बढ़त है उसके ऊपर थोड़ा सा पूर्ण विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा है हल्दी के अंदर, लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, राइवल प्रेशर के बाद एक बार फिर से कंटिन्यूशन में मार्केट में तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है, लेकिन फिलहाल यहां से धनिया और जीरा यहां से थोड़ी बहुत और अपसाइड में जाते हुए दिखाई दे सकते हैं, लेकिन करंट लेवल पर बाइंग काफी रिस्की हो सकती है, डिप पर बाइंग करने में फायदा है लेकिन अभी इन लेवल्स के ऊपर बाइंग करना काफी रिस्की हो सकता है, इसलिए जिन्होंने बाइंग किया हुआ है वो थोड़ा सा पोजीशन होल्ड करके चल सकते हैं, क्योंकि अभी भी यहां से टारगेट जो है ऊपर के दिखाई दे रहे हैं। जी यहीं से रूपा जी बात करें अगर अब ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो देख रहे हैं कि ग्वार सीड फिर से अपने उन्हीं रेंज बाउंड लेवल्स पर ऊपरी स्तर पर जाने के लिए तैयार दिख रहे हैं, ग्वार गम देख रहे हैं कि 12,000 की ओर जाता हुआ नजर आने वाला है, और जो ग्वार सीड है वो 6,400 की ओर अग्रसर हो रहा है। आपको क्या लगता है, क्या फिर से एक बार ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली बनेगी और एक रेंज बाउंड रहेगा ग्वार गम ग्वार सीड में? देखिए काफी रेंज बाउंड है, लेकिन जब तक 10,000 के ऊपर सस्टेन है ग्वार तेजी में रहेगा, और सीड 6,000 के ऊपर की सस्टेनेबिलिटी है तो पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन अब यहाँ से जो टारगेट है एक बार 6,500 के ऊपर अगर सीड सस्टेन हो जाता है तब ऊपर में 6,800 से 7,000 का स्तर देखने को मिल सकता है। वहीं ग्वार भी 12,000 से 12,500 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी लाता है तो 13,500 से 15,000 का स्तर भी संभव है कि मार्केट दिखला दे, लेकिन फिलहाल के लिए तेजी में है मार्केट और आज भी एक्सपेक्टेड है कि करंट लेवल से 1.5 से 2% की तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी रूपा जी, दर्शक जुड़े हुए हैं अजय कुमार जी जिनका सवाल ग्वार सीड को लेकर आ रहा है, ये जानना चाह रहे हैं ग्वार सीड 7,000 कब तक हो पाएगा? देखिए कब तक होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि अगर ये तेजी कंटिन्यूशन में रहती है तो आपको हो सकता है 1 से 1.5 महीने में ये लेवल देखने को मिल जाए। जी यही से रूपा जी बात करें अगर अब सोयाबीन की, तो सोयाबीन देख रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में तो अच्छे खासे लेवल्स पर ही है, $1,588 के करीब ट्रेड कर रही है US सोयाबीन वायदा, और घरेलू वायदे की बात करें तो जो सोयाबीन 6,200 से 6,300 पर एक रेंज में रही थी अब वही 6,600 के ऊपर ट्रेड कर रही है। आपको क्या लगता है, क्या आने वाले दिनों में सोयाबीन 7,000 का भी लेवल दिखा सकती है? देखिए बिल्कुल एक्सपेक्टेड है कि सोयाबीन के अंदर 7,000 का लेवल देखने को मिल सकता है, क्योंकि फंडामेंटल काफी सपोर्टिव है और इसके चलते तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी तो यानी कि सोयाबीन के जो फंडामेंटल्स हैं रूपा जी के अनुसार काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है और सोयाबीन में तेजी बनती नज़र आ सकती है। सोयाबीन आने वाले दिनों में रूपा जी के मुताबिक 6,900 से लेकर 7,000 तक के लेवल्स दिखाती नज़र आ सकती है। रूपा जी बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं जिनका सवाल लगातार चने को लेकर आ रहा है, ये सब जानना चाह रहे हैं कि चने में आगे कितनी मंदी तेजी रह सकती है? देखिए फिलहाल चने में दबाव है अखिलेश, और चने के अंदर फिलहाल बाजारों के अंदर प्रेशर बना रह सकता है, और दालों के अंदर मुझे लगता है कि थोड़ा सा गिरावट की तरफ ही बाजार रहेगा, तेजी फिलहाल बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है, और करंट लेवल से भी मुझे लगता है कि बाजार
5 से 10% लुढ़क सकते हैं। तो यानी कि अभी दालों के अंदर खरीदारी से बचना चाहिए, आगे चलकर दबाव बना रह सकता है। जी रूपा जी, बहुत सारे दर्शक है जिनका सवाल लहसुन को लेकर आ रहा है, लहसुन के बारे में जानना चाह रहे हैं कि जो कुछ कीमतें अब लहसुन में सुधरती नजर आई हैं, तो क्या लहसुन में जो दाम किसानों का एक्सपेक्टेड थे वो मिलते नजर आ सकते हैं? क्योंकि अब देख रहे हैं कि सर्दियां का मौसम जाता हुआ नजर आ रहा है और अब जो गर्मियां हैं उनकी शुरुआत हो जाएगी, सूखा हुआ लहसुन भी अच्छा अवेलेबल हो पाएगा मार्केट में, तो क्या ऐसे में इंडस्ट्रियल मांग अच्छी रहेगी? एक्सपेक्टेड है कि इंडस्ट्रियल मांग पिकअप हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा सस्टेनेबल रहेगी अभी, क्योंकि प्रोडक्शन अच्छा खासा है, उसके ऊपर भी काफी डिपेंड करेगा। और हाल फिलहाल में थोड़ा सा सपोर्ट जरूर आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो अपसाइड है वो लिमिटेड रहेगा, मुझे बहुत ज्यादा यहाँ से तेजी फिलहाल दिखाई नहीं देती है। जी ये सरूपा जी, बात करेगा सरसों की, तो सरसों में आपको क्या लग रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो अराइवल्स हैं स्टार्ट हो चुकी हैं, तो क्या आने वाले दिनों में जब एकदम से प्रेशर बन जाएगा अराइवल्स का, अभी तो देख रहे हैं कुछ बारिश की वजह से भी अराइवल्स थोड़ी बहुत रुकी हुई हैं, लेकिन जब प्रेशर बन जाएगा अभी लगभग 2 हफ्तों में, तो क्या कीमतों में सरसों की में कुछ गिरावट देखने को मिलेगी और इसका असर बाकी खाद्य तेल तिलहन पर कितना रहेगा? देखिए अभी खाद्य तेल तिलहनों की अगर बात करें तो प्रेशर में ही मार्केट रह सकता है, क्योंकि आप देखिए सरकार ने भी सीपीओ के ऊपर जो है इंपोर्ट ड्यूटी है उसमें उसकी भी उसको भी बढ़ा दिया गया है, यानी कि इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती की गई है और उसकी अवधि को बढ़ा दिया गया है, उसको अब फिलहाल बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दिया गया है। और मकसद यही है कि कीमतों को कंट्रोल में लाया जा सके और प्राइजेस जो है वो कंट्रोल में रहे, तो सीपीओ की कीमतों में दबाव जो है वो आगे चलकर देखने को मिल सकता है। लेकिन जहां तक सरसों की बात है, सरसों की अभी फिलहाल मंडियों में सरसों की जो आवक आनी शुरू हो चुकी है उसके फिलहाल किसानों को अच्छे भाव मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। समर्थन मूल्य जो है वो 5050 के आई थिंक आसपास है और फार्मर्स को इसका भाव जो है इससे काफी ऊपर देखने को मिल रहा है। तो अभी जो कीमतें हैं अभी तो तेजी की तरफ ही है और कंट्रोल में है, लेकिन जैसे जैसे बाजारों में अराइवल प्रेशर बढ़ेगा उसके चलते थोड़ा सा दबाव जो है वो कीमतों में बढ़ सकता है, क्योंकि विदेशी बाजार हम देखें तो विदेशी बाजारों में एडिबल ऑयल काफी तेजी के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट में सरकार की जो तरह तरह के स्टेप उठाए जा रहे हैं उससे कीमतों को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो ये था एक छोटा सा कृषि फसल बाजार का अपडेट कि आज सुबह के कारोबारी सत्र में कृषि फसलों में कितनी मंदी तेजी देखने मिली, उन पर रूपा मेहता की क्या राय थी। तो फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन अब कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट एमसीवी पर। फ्रेश दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं, बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।